हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद। आपके चैनल भैया जी टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप वीवो के V21E 5G के यूजर है ना, तो आपके लिए वीवो ने अक्टूबर मंथ में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आप भी अगर यूजर है वीवो V21E के ना, तो फटाफट एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके चेक करिए। हो सकता है कि दोस्तों ये अपडेट जो है ना आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो 2 से 4 दिनों तक वेट करिए, ये जो अपडेट है ना OTA के द्वारा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे कि क्या इसकी साइज है, क्या इसका वर्जन है और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है, क्या कुछ बग्स फिक्स किया गया है। हाँ दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि वीवो के जो वी सीरीज के फोन है, जैसे वीवो V20, V20 Pro, वीवो V21, इन फोनों में फ्रंट टच OS 12 देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलने का तो कब तक देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो बस लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके वीवो V21E में क्या नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं वीवो V21E की सेटिंग्स में आपको ले चल रहा हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिस्टम अपडेट में एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है कि मेरे वीवो V21E में एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करूँ तो जो अपडेट आया है उसका इंटरफेस सामने आ जाएगा, और आप देख सकते हैं कि वीवो V21E का जो ओल्ड वर्जन है वो है 11.0.8.4, और दोस्तों जो अपडेट जारी किया गया उसके वर्जन की बात करें तो वो है 11.0.8.8। और साइज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे साइज लगभग 183 MB के आसपास की साइज है। और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिलेगा, तो मैं कहूंगा दोस्तों यहाँ पे वीवो ने आपके वीवो V21E में सिस्टम पे काम किया है, और जो भी थोड़ा बहुत बग्स आपके फोन में देखने को मिल रहे थे उसको फिक्स करने की बात की गई है। मैं बता दूं दोस्तों कि मुझे लगभग इस फोन को यूज करते हुए लगभग 2 से 2.5 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई मेजर इश्यू इस फोन में मुझे देखने को नहीं मिला है, और ये फोन जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अगर आपको कोई इश्यू आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं पे दोस्तों, अगर आप सिस्टम में जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपके फोन के सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया है, जो कि सितंबर 2021 का है। ऑप्टिमाइज द कंपेटिबिलिटी ऑफ सम थर्ड पार्टी एप टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी थर्ड पार्टी एप जो थे वो प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो रहे थे या क्रैश कर रहे थे ना, उसको यहाँ पे फिक्स करने की बात की गई है। वहीं पे दोस्तों, अगर आप नेटवर्क में जाते हैं ना, तो स्पेशली यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी को लेकर थोड़ा बहुत इश्यू था, जो वाईफाई की कनेक्शन थी वो स्टेबल नहीं थी, उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। आप देख सकते हैं इम्प्रूव द स्टेबिलिटी एंड कंपेटिबिलिटी ऑफ वाईफाई कनेक्शन। वहीं पे मल्टीमीडिया की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे जब आप ईयरफोन लगा के सुनते थे ना, तो वहाँ पे आउटपुट में थोड़ी सी इश्यू आ रही थी, उसको फिक्स करने की बात की गई। आप देख सकते हैं फिक्स द ओकेजनल इश्यू एयर द एक्सेप्शन अकर्ड इनटू द आउटपुट ऑफ द ऑडियो चैनल। तो दोस्तों, एक बार मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और देखता हूँ कि इस अपडेट में कुछ कोई एडिशनल फीचर भी देखने को मिला है क्या, और कितना टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीवो V21E में जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया था ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है मेरे फोन में, और इस पूरे प्रोसेस में लगभग 4 मिनट लगे हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा है। अगर अपडेट के बाद मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मेरे फोन का जो वर्जन है यहाँ पे चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर 11.0.8.8 है। और वहीं पे दोस्तों, इस अपडेट के बाद अगर फोन का सिक्योरिटी पैच मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फोन का जो सिक्योरिटी पैच है वो है 1 सितंबर 2021 का है। हालांकि दोस्तों, इस अपडेट में कोई एडिशनल फीचर आपके वीवो V21E में तो देखने को नहीं मिला है। मैं यूज करूंगा, अगर कोई एडिशनल फीचर मुझे लग जाएगा तो मैं आपके साथ इसका डिटेल शेयर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपके वीवो के वी सीरीज के जो फोन है, जैसे वीवो V20, V20 Pro, V21, V21 Pro में, या वीवो के V21E में फ्रंट टच OS 12 कब तक देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि डेफिनेटली इन फोनों में ना फ्रंट टच OS 12 तो देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन अभी तक वीवो की ओर से कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि वो जो वीवो का फ्रंट टच OS 12 है इन फोनों में कब तक जारी करेगा। जब भी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है वीवो की ओर से फ्रंट टच OS 12 को लेके, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। धन्यवाद।